हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से अलजेब्रा की क्लास में अलजेब्रा का टाइप 12 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा का जो टाइप 11 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसने नहीं देखा है वो नीचे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का टाइप 12, 13, 14 देखते हैं। तो देखिए, टाइप 12 में एक सवाल है कि अगर 2x प्लस 1/7x इक्वल टू 4 दिया हो तो फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर करना है। ठीक, तो देखिए, ऐसे सवालों में सबसे पहले थोड़ा सा सोचना होगा क्या कि जो रिजल्ट हम लोग को लाना है आंसर में वो क्या लाना है। जैसे कि यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है और निकालना क्या है, निकालना है 49x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखिए, यहाँ शुरू में 49 चाहिए हमको, तो 49 लाने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ना कि 2 आना चाहिए। तो 7 आने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, अगर हम दोनों साइड, अगर हम LHS और RHS साइड में अगर हम क्या करते हैं, 7/2 इनटू कर देते हैं, तो क्या होगा, देखना ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7/2 इंटू कर देते हैं, और यहां पर भी क्या करते हैं, 7/2 इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 7/2 और ये 2, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा 7x बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार इस 7/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 और 7 कट जाएगा, तो फाइनली नीचे क्या बचेगा, वो बचेगा 1/2x बचेगा। फिर इसी प्रकार इससे कितना बार में, दो बार में कट जाएगा, तो फाइनली यहां पर कितना होगा, ये होगा 14, 7/2 जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो हमको निकल जाएगा हमारा, अब अगर हम 49 यहां पर लास्ट में क्या है, यहाँ पे शुरू में क्या है 7 है, और शुरू में क्या चाहिए 49 चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7x प्लस 1/2, तो क्या होगा 1/2x इसका स्क्वायरिंग करेंगे, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या हुआ, टूट गया, और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 49x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था 2ab, मतलब 2 ये कौन है, वो है 7x, बी कौन है, वो है 2x प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 1/2x का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो था 196, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये x और x खत्म हो गया, और ये 2 और 2 भी क्या हुआ, खत्म हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, वो बचा 49x स्क्वायर बचा, प्लस ये कितना बचा, ये बचा 1/4x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे कितना 196 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 7 था तो 7 को हटा देंगे, कितना हुआ, यहाँ पे -7 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये हुआ 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये बना, और यहाँ पे कितना होगा 196 में अगर 7 माइनस करेंगे वो कितना होगा, वो बनेगा 189, ये हो गया। तो इसका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप सवाल, तो आई होप सवाल समझ गए होंगे। तो ऐसे सवालों में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो रिजल्ट लाना है उस पर फोकस करना है कि शुरू में क्या लाना है, और उस शुरू वाला टर्म को लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड हम लोग। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल को आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक से। तो चलिए, इसी में अलजेब्रा का टाइप 13 देखते हैं हम लोग। देखिए, अलजेब्रा का टाइप 13 सवाल में हम एक अलग टाइप का सवाल है इसमें। इसमें क्या है कि अगर ये का मान दिया हो, कितना दिया हो, वो दिया हो x प्लस 1/x दिया हो। ठीक है, और b का भी मान दिया हो कितना, वो दिया हो x माइनस 1/x, तो फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करना है a पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए, जो सवाल में निकालना हो उसको भी ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो किसी का फॉर्मूला बन रहा है, अगर शायद अगर ध्यान से देखिएगा तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, वो किसका फॉर्मूला बन रहा है, वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए कि अगर इस टर्म को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो फाइनली यही मिलता है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर इस टर्म को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो फाइनली ये आता है, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए पे पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे देखिए, इसी का अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक तरह का लिख सकते हैं, ए माइनस बी और फिर ये प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, और फिर इस टोटल पे क्या है, वो टोटल पे
स्क्वायर है। तो यानी कि जो रिजल्ट निकालने बोला है उसी को अगर हम फैक्टराइज करके अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ले आए तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब हमको क्या चाहिए, ए माइनस बी और एक टू ए प्लस बी चाहिए, यानी कि एक बार ए और बी का मान एड करने के बाद और दूसरी बार ए और बी का मान माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को रख देंगे और फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो वही काम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को ऐड कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए का मान कितना है, वो है एक्स प्लस वन बाय एक्स, और बी का मान कितना है, वो है एक्स माइनस वन बाय एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही टर्म है और दोनों अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये माइनस और प्लस क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनली ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स, और एक्स क्या हो जाएगा, वो टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम एक टर्म निकाल लिए, दूसरा टर्म क्या चाहिए, दूसरा टर्म चाहिए हम लोगों को ए माइनस बी का। तो अब क्या करें, नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये था फर्स्ट टर्म था। ठीक है, तो सेकंड टर्म में क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि ये माइनस बी करेंगे। ये का मान कितना है, वो है एक्स प्लस वन बाय एक्स है, माइनस क्या है, बी। तो b का मान कितना है, x, देखिए ये माइनस से अगर इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस क्या बनेगा, वो प्लस बन जाएगा, यानी कि वन बाई एक्स बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये जैसे टर्म और ये क्या होगा, कट जाएगा। उसी प्रकार ये वन बाय एक्स, और यहाँ भी क्या है, वन बाय एक्स, यानी कि वन और वन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू, और नीचे क्या x, यानी कि टू बाय एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्लस b का मान कितना आया, वो आया टू एक्स, और ये माइनस b का मान कितना आया, वो आया टू बाय एक्स। अब ये दोनों का मान क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ ये माइनस बी, ये माइनस बी का मान कितना है, टू बाय एक्स इंटू बी का मान कितना है, वो है टू एक्स। टोटल पे क्या है, स्क्वायर है, ये एक्स और एक्स कट गया, यानी कि टू टू जाए कितना हो, फोर, और फोर पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिक्सटीन, यानी कि इसका क्या होगा, राइट आंसर सिक्सटीन आएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों तरफ नजर लगा कर देखना होगा कि आखिर सवाल दिया क्या है और निकालना क्या है, तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब अलजेब्रा का अगला टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए अलजेब्रा का 14 देखते हैं, टाइप 14। तो टाइप 14 में एक सवाल दिया गया कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 19 हो तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्योंकि उसी फॉर्मूले से ये टूटने वाला है, जैसे अगर यहाँ पे दिया गया हो ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना दिया है, 7 दिया है। अगर हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, निकल जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे कितना, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, वो होता है टू इंटू ये बी, यानी कि ये बी यहाँ पे कौन है, एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वाई जेड हो जाएगा, उसके एक्स वाई वाई जेड, उसके बाद क्या होगा, एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 19। ठीक है, फिर उसके बाद टू इंटू देखिए ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है, ये तो फाइंड करना है, इसको क्या करेंगे, रहने देंगे यहाँ पे। तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बगल में कितना, ये 49 है। तो ये अगर 19 को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर जाके प्लस है तो जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना, 49 माइनस कितना, 19। तो फाइनली कितना आएगा, वो आएगा 30 आएगा, और इस 2 से ये 30 कटेगा कितना बार में, 15 बार में। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक्स इंटू वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना, 15। इसका आंसर कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को देखिए, इस टाइप का सवाल में क्या हुआ कि कभी भी किसी एक का वैल्यू नहीं देगा, जैसे कभी क्या हुआ कि इसी का वैल्यू नहीं देगा, बाकी ये दोनों का वैल्यू देगा, और फाइंड करना है, वो तो आसान हो जाएगा, फॉर्मूले से बैठा देंगे। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी इसका वैल्यू देगा, इसका नहीं देगा, इसका दे देगा, तो इसका निकालना होगा। तो किसी भी तरीके से सवालों को इधर से उधर कर सकता है, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखें, बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रा का अगला टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए अब अलजेब्रा का टाइप 15 देखते हैं हम लोग।
टाइप 15 में एक सवाल है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x हो तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हल्का सा कॉमन सेंस का यूज करना होगा। जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ हो कि एक्स स्क्वायर दिया हो प्लस 2 दिया हो और यहाँ पे क्या हो 2x दिया हो, तो सबसे पहले देखिए कि जो अचीव करना हम लोगों को क्या करना, वो करना है कि एक्स पे पावर 4 देखना। सर एक टर्म को देखिए क्या निकालना है, एक्स पे पावर 4 निकालना है, और हम लोगों के सवाल में दिया हुआ कितना तक, एक्स स्क्वायर तक ही दिया है। यानी कि अगर हम एक्स पे पावर 4 तक जाना है हम लोगों को, तो उसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग टर्म में हम लोग एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहला टर्म में अगर दोनों साइड हम अगर एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स पे पावर क्यू बनेगा प्लस क्या बनेगा 2x बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से x करते हैं मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हम लोगों को x पे पावर 4 तक जाना होगा, तो उसके लिए अगर हम एक बार फिर से x को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो जाके क्या होगा, x पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा x पे पावर 4 प्लस ये कितना होगा, ये होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेकर के ये तीसरा टर्म निकलेगा, ये तीसरा, ये दूसरा, दिया गया था पहला। यानी कि अगर हम LHS साइड और RHS साइड तीनों को इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं तो फाइनली ये निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए तो इधर सबको पहले अलग अलग ऐड करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहां से यहां चलेंगे, इसको ऐड करिए, ये कितना होगा x पे पावर 4 प्लस कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस फिर कितना होगा x पे पावर क्यूब होगा, फिर प्लस कितना होगा 2x होगा, फिर प्लस कितना होगा x स्क्वायर होगा, प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा इधर। ठीक, ये तो हम लोग LHS साइड की ओर क्या किए, सम किए। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS साइड वाला सबको सम करेंगे, तो यहां से लेंगे पीछे से क्या होगा, वो होगा 2x क्यूब हो जाएगा प्लस कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना होगा 2x हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो एक जैसा टर्म होगा उसको क्या करेंगे, उठा के सब इस साइड में लाएंगे हम लोग। जैसे देखिए सबको उठा के इधर लाइए तो कितना होगा, x पे पावर 4 हो जाएगा प्लस कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर वाला देखिए यहाँ पे देखा, यहाँ पर भी है स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर है, तो यही फाइनल क्या होगा, कट सकता है, तो इसको प्लस है, इसको उठा के लिया इधर कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना है प्लस x क्यूब है, ये वाला क्या है प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस होगा, माइनस कितना 2x क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या है प्लस 2x है, प्लस 2x है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस में एक्स स्क्वायर है, वो प्लस में क्या है 2 है, इक्वल टू क्या हुआ 0 है, सब तो उठ के इधर आ गया है। अब ध्यान दीजिए ये माइनस और ये प्लस एक जैसा है कट जाएगा, उसी प्रकार ये माइनस और ये प्लस एक जैसा है भी कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये बनेगा एक्स पावर 4, ये क्या है प्लस कितना एक्स पावर क्यू बनेगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस एक्स क्यू बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स क्यू बन जाएगा। और फिर फाइनली क्या बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 0 है। ध्यान दीजिए अब सवाल को कि हम लोग यहां तक निकाल चुके हैं, सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था कि x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूछा है, और हम लोग यहां तक निकाल चुके हैं कि x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाए हैं, लेकिन सवाल में पूछा क्या 5 का वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे कि अगर हम दोनों साइड, अगर दोनों साइड हम 3 को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं तो 5 का वैल्यू तो आ जाएगा, तो यहां पे क्या करेंगे अब हम लोग दोनों साइड 3 ऐड कर देते हैं, तो फाइनली क्या होगा, वो बनेगा एक्स पे पावर 4, कितना बनेगा एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि इसका टोटल का वैल्यू कितना निकलेगा, वो 3 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ये सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको अपना से हल्का सा कॉमन सेंस का यूज करना होगा, ताकि आप सवालों को आसानी से क्या कर सकते, उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सवाल में क्या दिया गया है और क्या निकालना है, ये दोनों को आपको कंबाइन करके सोचना होगा। तो आई होप सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।